हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज तान्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पैनल रीमेक। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, काइंडली टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइडेड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो टुडे आई एम हेयर टू शेयर फ्यू प्रोडक्ट्स विद यू ऑल, इंक्लूडिंग स्किन केयर एंड फ्यू मेकअप प्रोडक्ट्स एज वेल, एंड दे ऑल आर माई फेवरेट। और मुझे यूज़ करके उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, सो दैट्स वाई आपको टाइटल से ही पता चल रहा है माई जून फेवरेट्स। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, और अगर आप कोई भी फेस वॉश या जो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैं जितने भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइज, पहला प्रोडक्ट है एक फेस वॉश जो कि है नेचर डर्मा ब्रांड का, एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट कम्स विद दिस वुडन काइंड ऑफ अ कैप और ये पंप के साथ आता है, सो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोम, और ये है 3% AHA BHA एक्सफोलिएटिंग फोमिंग क्लेंजर प्लस नेचुरल बायोम बूस्ट सोल्यूशन। सो दिस इज़ फॉर ब्राइटर एंड स्ट्रेंथेंड स्किन। तो अगर आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, तो आप ये फेस वॉश ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं जब भी यूज़ करती हूँ मेरा फेस बिल्कुल इंस्टेंटली क्लियर एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है एंड एकदम से ग्लो आ जाता है चेहरे पे। सो दिस फोमिंग क्लेंजर हेल्प्स रीसरफेस द स्किन बाय जेंटली एक्सफोलिएटिंग डेड स्किन सेल्स, फेड ब्लेमिशेस, रिड्यूस ब्रेकआउट्स एंड नेचुरल बायोम बूस्ट सॉल्यूशन सपोर्ट्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्किन बैरियर। सो ये फेस वॉश का जो प्राइस है वो है ₹369, एंड इट इज़ रिटन ओवर हियर दैट इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड ऑल्सो रिजल्ट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मुझे पर्सनली फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इस वीडियो में इसको शेयर करूँ। एंड ऑल्सो जब आप इसे यूज़ करेंगे अपने हैंड पे, जब आप इसे लेंगे फोम के कंसिस्टेंसी में है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होता है। थोड़ा सा आपको लेना है और फेस बिल्कुल इंस्टेंटली ग्लो आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर लगेगा। सो गाइज, नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ अ शीट मास्क विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड इनिसफ्री, एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। और ये मॉइस्चराइजिंग स्क्वीज एनर्जी मास्क है, और मैंने इनिसफ्री की शीट मास्क पहले भी यूज़ करी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चेहरे पे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है ना हाइड्रेशन रहता है, और ऐसा नहीं है कि शीट मास्क आपको सिर्फ विंटर्स में यूज़ करनी या फिर ड्राई स्किन को ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हफ्ते में एक बार शीट मास्क ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसका प्राइस है ₹120, एंड इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जैसे हम लोग दूसरी शीट मास्क अप्लाई करते हैं, सेम वे में इसे भी अप्लाई करके 15 से 20 मिनट बाद हटा देना है। एंड आई रियली लाइक देयर शीट मास्क, दैट्स व्हाई यू कैन ट्राई इट आउट। प्रोडक्ट इज़ माई वन ऑफ दी फेवरेट, और ऑब्वियसली टुडे आई एम शेयरिंग ऑल माई फेवरेट्स, बट येस ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एम कैफीन कॉफ़ी बॉडी स्क्रब विद बेरीज। तो पहले मैंने कॉफ़ी स्क्रब ट्राई किया है और इस बार मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, और दिस इज़ लिटरली बहुत अच्छा है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, एंड ये आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज भी रखता है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है स्किन यूज़ करके इसे। इसका प्राइस है ₹449, एंड आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत जेंटल है, बॉडी में बहुत अच्छा लगेगा इसको स्क्रब करके। एंड इसमें डार्क ब्लू एंड रेड कलर के छोटे छोटे से स्क्रब पार्टिकल्स हैं, सो दिस इज़ वेरी नाइस। इट इज़ वीगन एंड पैराबिन सल्फेट फ्री, एंड ऑल्सो आप सभी को पता होगा कि एम कैफीन के प्रोडक्ट्स लिटरली बहुत अच्छे होते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। सो गाइज, दिस बॉडी स्क्रब इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन अगर आपकी स्किन में फ्लेकी स्किन है, ड्राई है, तो तब तो ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये जब आप इसे स्क्रब कर लोगे तो उसके बाद आपकी बॉडी एकदम स्मूथ हो जाएगी एंड मॉइस्चराइज लगेगी। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की नीड भी नहीं होगी। एंड फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको बॉडी में भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, भले ही समर्स हो चाहे विंटर हो। एंड सो दैट्स वाई अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो आप हफ्ते में एक दो बार इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बॉडी हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ। अब मैं आपके साथ में मेरा मोस्ट फेवरेट शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, और जो कि है खादी नेचुरल हेयर क्लिंजर SLSN पैराबिन फ्री, एंड आमला एंड भृंगराज इसके वेरियंट है, एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। दिस इज़ द न्यू बॉटल, एंड मैं खादी नेचुरल के जो शैम्पू है कंडीशनर उसको मैं कम से कम 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। एंड पहले मैं डव, हेड एंड शोल्डर्स, क्लिनिक प्लस इस तरह के शैम्पू यूज़ करती थी, बट उसमें SLS एंड पैराबिन होता है जो कि हमारे बालों के लिए या बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है।
सो आई स्विच टू दिस खादी नेचुरल शैम्पू एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम आउट. और 3 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए. मैंने इसका हनी एंड शिकाकाई भी यूज़ किया है एंड दिस वन इज़ आमला भृंगराज और इसका प्राइस है ₹300. एंड ऑल्सो आई लाइक देयर कंडीशनर एंड ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइडेड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो यू कैन चेक इट आउट. सो दिस शैम्पू इज एंटी डैंड्रफ, रिड्यूसेस हेयर फॉल, नरिशेस हेयर एंड इट इज फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड एवरी वन कैन यूज दिस शैम्पू बोथ मैन एंड वीमेन. आज मैं आपके साथ में मेरे मोस्ट फेवरेट ही प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मेकअप की प्रोडक्ट तो मैं बहुत सारे नहीं शेयर कर रही हूँ बट फिर भी मैंने जो ट्राई करे और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं तो मैं एक दो आपके साथ में शेयर करूँगी. तो अब दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल भी है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्मे सन एक्सपर्ट टिंटेड सनस्क्रीन एंड ये SPF 50 PA++++ है इसमें एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. तो ये टिंटेड सनस्क्रीन है जो कि लाइट मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा रहता है बिकॉज इट इज़ टिंटेड. तो जब आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो तो एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है, इवन टोन हो जाती है स्किन. इसमें SPF भी है बिकॉज इट्स अ सनस्क्रीन एज ऑल्सो, मतलब ये मेकअप से पहले तो सनस्क्रीन ही है. तो बट ये टिंटेड है और इट इज़ इन द शेड नेचुरल टोन और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ऑल स्किन टाइप्स पीपल कैन यूज़ दिस. एंड मुझे ये लाइट मेकअप जब मुझे करना होता है ना या कभी भी मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं या रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आप ये वाला सनस्क्रीन अप्लाई करिए एंड यू नीड टू जस्ट अप्लाई अ कॉम्पैक्ट पाउडर और लिपस्टिक एंड देन यू आर गुड टू गो. इसका प्राइस है ₹349 एंड मुझे ये सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. नाउ माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट इन स्किन केयर इज दिस लैनेश क्रीम स्किन रिफाइनर और मैं इस पर पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे. एंड मैंने ये कुछ महीने पहले इसे परचेज किया था और तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसका प्राइस है ₹1850. हाँ, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है मगर इसे आप यूज़ करोगे अगर आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है और नॉर्मल स्किन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, यू कैन सी, एंड इट इज़ अ 2-in-1 प्रोडक्ट, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. सो गाइज, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसका छोटा पैक भी ले सकते हैं. तो पहले मैंने भी छोटा पैक लिया तो उसके बाद मैंने ये बड़ी बॉटल मंगाई थी. मेरे पास छोटा पैक अभी भी खाली रखा, मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज द स्मॉलर पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज वन इज द बिगर वन. तो इसमें 50 ml आता है और इसमें आता है 150. इट कम्स इन 150 ml एंड दिस वन इज 50 ml. तो 50 ml कम्स फॉर ₹750 एंड 150 ml कम्स फॉर 1850. और अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हैं तो आप छोटा वाला मंगवा लीजिए, अदरवाइज लिटरली ये बहुत अच्छा है. अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. नॉर्मल स्किन भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेकअप मेल्टिंग शीट्स फ्रॉम पर्सनल टच स्किन केयर एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. तो इसमें टोटल 30 शीट आती हैं और इससे मेकअप एक मिनट में, बिल्कुल एक शीट में आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा चाहे जितना भी हैवी मेकअप क्यों ना किया हो. सो दिस इज़ पर्सनल टच स्किन केयर फेस बाथ मेकअप मेल्टिंग शीट्स एंड दीज आर 100% बायोडिग्रेडेबल, एंटी पोल्यूशन, नरिशिंग एंड सूदिंग. इसको जब आप मेकअप रिमूव करोगे बिल्कुल भी स्किन में इचिंग नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी जो मेकअप मेल्टिंग शीट्स होती हैं, मतलब मेकअप रिमूवर वाइप्स होते हैं, वो उससे जब आप अपना मेकअप रिमूव करते हो तो समटाइम्स आपको इचिंग होता है. लेकिन आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो, तब तो ज़रूर इसे ट्राई करिए. तो इसका प्राइस है ₹429 एंड आप ये वाला ज़रूर ट्राई करिएगा, दे आर वर्थ बाइंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड पर्सनल टच स्किन केयर एंड दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यूथ बर्स्ट. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक और ये काफ़ी छोटा सा ट्यूब आता है, यू कैन सी. सो दिस इज सिल्की वाटर क्रीम. एक्चुअली दिस वन इज सिरम इन्फ्यूज्ड मॉइस्चराइजर और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स. मेरे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है बट येस इधर कहीं पे है, सो दैट्स वाई आई परचेज एंड आई एम अप्लाइंग इट और ये काफ़ी अच्छी है. जब आप इसे अप्लाई करोगे आपका चेहरा 2 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा एंड पिगमेंटेशन पे ये वर्क करेगा. धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे. सो इसका प्राइस है ₹1250 एंड येस यू कैन से कि थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम द ब्रांड द मॉम्स को और ये मॉम्स को का नेचुरल क्ले फेस मास्क है जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक.
ये इंस्टेंटली बिल्कुल आपके चेहरे को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाइज एंड ऑल्सो इट ब्राइटन्स. तो इसे भी मैंने अप्लाई किया है व्हेन समटाइम्स मेरे ऑयल आता है, तो मैंने इसे अप्लाई किया है. ये काफ़ी अच्छा है फेस मास्क. इट हैज़ मुरकन लावा क्ले एंड चारकोल एंड दिस इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन विच इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. एंड एकदम इंस्टेंटली चेहरा जो है ब्राइटन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है एंड ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगता है. बिल्कुल मैट फिनिश आती है फिर जब आप इसे रिमूव करोगे. सो दिस इज़ बेस्ट फॉर नॉर्मल टू ऑयली और इसका प्राइस है ₹599. नेक्स्ट इज अगेन माई मोस्ट फेवरेट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एम कैफीन मिल्की ब्रू कॉफी स्क्रब कॉफी विद आलमंड मिल्क. सो इट्स अ फेस स्क्रब एंड दिस इज द न्यू पैकेजिंग और मैं ऑलरेडी इसे काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. और दिस इज़ फॉर ऑयल स्किन टाइप्स, लेकिन अगेन अगर आपकी स्किन नॉर्मल ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है बेसिकली, तो आप ये वाला फेस स्क्रब ट्राई करिए, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी. एंड इसका प्राइस है ₹229 एंड इट गिव्स 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन. एंड ऑल्सो अगर इस सीज़न में भी अगर आपकी स्किन हल्की फुल्की सी ड्राई रहती है तो आप ये वाला फेस स्क्रब यूज़ करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज लगेगी, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी नीड ना. एंड अगेन गाइज, इसके जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं, जेंटल है एंड फेस पे बिल्कुल भी हार्श नहीं लगते, तो आप इसे फेस और नेक पे स्क्रब कर सकते हैं. एंड ऑल्सो स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल कॉफ़ी जैसी स्मेल है एंड लगेगा कि बस खा लें. नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेकअप इज अ प्राइमर. सो दिस वन इज प्रॉश ब्यूटी से नो पोर मैटिफाइंग जेल प्राइमर और दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. तो ये मैटिफाइंग जेल प्राइमर है, इंस्टेंटली बिल्कुल आपके जो पोर्स हैं उसे ये मैटिफाई कर देता है, ब्लर आउट कर देता है. एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा. एंड इसका प्राइस है ₹750 और इसमें 30 ग्राम प्रोडक्ट आता है. बहुत थोड़ा सा ही प्राइमर अप्लाई किया जाता है बट येस, अगर आपके ओपन पोर्स है ना, एकदम ब्लर आउट कर देगा. तो एक बार आप ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करिएगा, मैंने भी ट्राई किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड एवरी टाइम नाउ आई अप्लाई दिस प्राइमर एंड दिस इज़ वेरी वेरी नाइस. बहुत लाइट वेट एंड जेल प्राइमर है, सिलिकॉन प्राइमर है एंड जैसे ही आप अपने ओपन पोर्स के एरिया में लगाएंगे ना, बिल्कुल तुरंत एकदम से मैटिफाई कर देगा एंड पोर्स विजिबल ही नहीं होंगे. सो दिस वन इज़ वेरी नाइस प्राइमर. लास्ट टू प्रोडक्ट्स आर लिपस्टिक एंड ये मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. अगर आपको न्यूड शेड्स अप्लाई करना पसंद है मेरी तरह, तो तब आप ये दोनों लिपस्टिक परचेज कर सकते हैं. एक फेसेस कैनेडा की है एंड एक ब्लू हेवन की है. सो ब्लू हेवन पाउडर मैट लिपस्टिक है और इसका शेड है मोका मैटनेस B02 राइट. एंड द अदर वन इज़ फेसेस कैनेडा बफ न्यूड 05 और इन दोनों का ही शेड ऑलमोस्ट सिमिलर है और ये मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है ब्लू हेवन की. दिस इज़ लाइक वेरी नॉट सो मच क्रीमी बट येस, थोड़ी क्रीमी है और लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट लगता है. शेड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे न्यूड शेड्स अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई लाइक दिस शेड. और ये पीची काइंड ऑफ अ शेड है, पीची पिंक काइंड ऑफ अ शेड एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ बिट डार्कर, नॉट टू डार्क, वेरी वेरी लाइट, लाइक आई कैन शो यू. So this one is Faces Canada Buff Nude 05 and I show you Blue Heaven also. Now you can see the difference. ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल light सा है and ये हल्का सा dark है. And also Blue Heaven की lipstick ज़्यादा creamy है and Faces Canada की थोड़ी सी creamy plus matte है. But yes, both lipsticks are very affordable and summers में भी अच्छी है and whenever you like going anywhere for market, shopping or something like that, then you can definitely try this out और आप इसे apply कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा shade है. So guys, that's all for today. I hope you guys enjoyed watching this video and I hope कि आपके लिए video helpful रहा होगा. अगर पसंद आया हो तो इस video को like ज़रूर करें, share करें अपने friends and family के साथ में. So guys, जल्द ही हमारे channel पे 10K subscribers होने वाले हैं, तो please अगर आप मेरा video पहली बार देख रहे हैं तो channel को subscribe करिए और साथ ही साथ इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share करिए. And also आप मुझे Instagram पे, Facebook पे भी follow कर सकते हैं, सारी links description box में दी गई हैं, so please check them out. And thank you so much for watching this video. See you soon. Till then, take care. Bye.